फिल्म अभिनेता रजनीकांत आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। यहां से वह रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। वहीं रजनीकांत के आगमन पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत खुश हैं कि रजनीकांत अयोध्या आए हैं। वहीं अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने बयान देते हुए कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं, आज अयोध्या आकर मेरा सपना पूरा हो गया। राम मंदिर बहुत ही सुंदर बन रहा है, बनने के बाद और भव्य दिखाई देगा। दर्शन पूजन के बाद फिल्म अभिनेता रजनीकांत अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, ये बहुत सारा का इरादा था, आज पूरा हो गया, आज पूरा है। जिस तरह से राम कॉरिडोर बन रहा है, रामलला का पूरा कॉरिडोर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत चारित्रिक है, बहुत चारित्रिक है, और खुलने के बाद और देखो कैसे हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।